में जहां पर नहीं थम रहा हत्याओं का सिलसिला। आपको बता दें आज एक बार फिर मिला है शव। हत्या कर फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। 24 घंटे के अंदर तीसरी ये हत्या की गई है, जिसके बाद ये शव बरामद हुआ है। पास ही गाँव में रहने वाले मृतक का शव बताया जा रहा है। जिले में नहीं थम रहा है हत्याओं का सिलसिला। कल दो हत्याओं के बाद आज तीसरी हत्या का ये शव मिला है। 24 घंटे के अंदर ये तीसरा हत्या के बाद ये औरैया दहला है। बकून थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सर जी, एक डेड बॉडी पड़ी हुई मिली, क्या है पूरा मामला? थाना फपून क्षेत्र के ग्राम सल्लापुर के नंदपाल में जिनका ये माखन के पास नाले में जो है मृत अवस्था में पाए गए हैं। एक बॉडी को बाहर निकाल कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए पंचायतों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। अभी मृत को कारण पता नहीं चला, तो पीएम के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। सलूपुर जी, मृतक आपके कौन थे? मैं हमारे चाचा का लड़का थे। चाचा का लड़का, ये कब से गायब थे? ये कल 1 बजे निकले घर से। तो आप लोगों ने पता नहीं किया? शाम को देखा, लेकिन आ जाएंगे लेकिन अभी पता लगा सुबह। आपको कैसा महसूस होता है, कैसे खत्म हुए? खत्म तो जब उनके पास कुछ है ही नहीं, पैसे ले आए थे लगभग 12-13 हज़ार रुपये, साइकिल भी नहीं है उनके पास, कुछ है ही नहीं। शराब वराब पीते थे? नहीं, सिर्फ तो तम्बाकू खाते थे। तो आप लोगों ने ढूंढा नहीं? अभी ढूंढा था सुबह से, फिर इस लड़के के पास फोन किया, पूरी दुकान पर करी। कैसे मालूम हुआ आप? उसी ने बताया कि वहाँ डले, पता नहीं किसी ने मार डाला है, ये एक्सीडेंट हुआ। तब मैंने देखा, मुझे तो एक्सीडेंट लग नहीं रहा है,